Hello, good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well, beta. So today I am going to start a new chapter of the human physiology, that is human circulatory system. कौन सा chapter start कर रहे हैं बेटा? Human circulatory system. So first of all आपको पता होना चाहिए what is circulatory system. Circulatory means circulation करना, चीजों को घुमाना. एक जगह से जब कोई चीज दूसरी जगह पे जाती है तो that is circulation. तो हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल के पास न्यूट्रिएंट पहुंचाने का, गैसेस के ट्रांसपोर्ट का, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन है वो किसका है बेटा? इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अवर बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि भाई जो भी मटेरियल है बॉडी के अंदर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना. अब उस मटेरियल में क्या क्या आ सकता है, किस किस का ट्रांसपोर्ट करवाता है सर्कुलेटरी सिस्टम? सो इट मे बी न्यूट्रिएंट, गैसेस, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स एंड आयन. एंड देन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा मेरी तीन पार्ट में डिवाइडेड है. वन इज हार्ट. हार्ट क्या होती है? पंप और मोटर, जो एक्चुअली में खींचने का काम करता है और प्रेशर लगाता है ताकि हर एक सेल तक ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो सके. सेकेंड आर ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को कैरी करती हैं, दे आर द पाथवेज ऑफ द ब्लड. आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज. आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और कैपिलरीज दोनों को, आर्टरीज और वीन्स, हमेशा टिश्यू के पास जो ब्लड जा रहा है ना वो कैपिलरीज लेके जाती हैं. मान लो एक बड़ी सी आर्टरी है बेटा, यहाँ पे टिश्यू, यहाँ पे सेल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ब्लड लेके जाएंगे ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये फर्दर लाइक दिस. यहाँ पे ये जो फाइन कैपिलरीज हमेशा टिश्यू के पास ब्लड लेके आएंगी, मींस कैपिलरी हमेशा एक्सचेंज करवाती है, चाहे वो गैस हो चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, कभी भी आर्टरीज और वीन्स नहीं करवाएंगी, ठीक है? मींस टिश्यू के पास हमेशा कौन सी होती है? सबसे थिन ब्लड वेसल्स, दैट आर कैपिलरीज. नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड. ब्लड में क्या है बेटा? ब्लड में दो कंपोजिशन, एक लिक्विड पोर्शन ब्लड का, एक सॉलिड. लिक्विड स्लाइटली येलोइश इन द कलर, और उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द, क्या करता है ये? 45% ब्लड का पार्ट है, और 55% क्या है? ब्लड की सेल्स. तो सबसे पहले बात करती हूँ 45% में क्या है. एक तो वाटर, अप टू 70% क्या है बेटा? वाटर, और बाकी क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स. 70-90% तो ये प्रोटीन्स है. अब प्रोटीन्स, तीन टाइप के प्रोटीन आपके ब्लड में या प्लाज्मा में पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और फिब्रिनोजन. एल्ब्यूमिन को बनाने वाला है लीवर, मींस एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पे बनता है बेटा? लीवर में. और इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, इसका साइज इन प्रोटीन्स में सबसे बड़ा होता है. हाई कंसंट्रेशन फॉर्म्ड बाय लीवर. देन नेक्स्ट लिखा हुआ है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. अब ये ब्लड का प्रेशर कैसे मेंटेन करेगा? जब यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा आता है तो देखो, अब कैपिलरीज से क्या होते हैं बेटा? पोर्स. और इन पोर्स से छोटे छोटे निकल के यहाँ पे क्या आ जाता है? इंटरस्टीशियल फ्लूइड. सेल्स के बीच में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टीशियल फ्लूइड. और इसे इंटरस्टीशियल फ्लूइड को जब कलेक्ट करके लेके जाता है तो दैट इज लिम्फ, ठीक है? वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट आ जाएगा. यहाँ पे क्या समझो कि भाई ये जो एल्ब्यूमिन से, ये बड़े साइज के प्रोटीन है, तो जो अपनी कैपिलरी है उसका पोर तो बहुत छोटा है, उसके अंदर से ये नहीं निकलेगा. अब ये नहीं निकलेगा तो साथ में पानी को नहीं जाने देता, तो इट मीन्स ब्लड के अंदर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम किसका है? एल्ब्यूमिन का. नेक्स्ट प्रोटीन है बेटा ग्लोब्यूलिन. होते तो ये तीन टाइप के हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, बट जो आपके काम का दैट इज द गामा ग्लोब्यूलिन. एक्चुअली में गामा ग्लोबुलिन्स क्या है? दे आर द एंटीबॉडीज. क्या है? एंटीबॉडीज, हमारे इम्यून सिस्टम की फाइटर्स एंटीबॉडी. कि कौन बनाता है इनको? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स. क्या बनाती है बेटा? एंटीबॉडीज. द नेक्स्ट प्रोटीन है फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में. किस पे हेल्प करेगा बेटा? ब्लड क्लॉटिंग. आपको कोई कट लग जाता है फिर वहां पे जो खुरंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज ब्लड क्लॉटिंग. ये इनको कौन बनाते हैं? लीवर. तो ये तीन प्रोटीन्स किसके अंदर प्रोटीन तीन टाइप के प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा प्लाज्मा में. आपको इतना ही प्लाज्मा का पोर्शन करना है. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? वेयर इज ब्लड फॉर्म्ड? ब्लड बनता कहां पे है? तो ब्लड में देखो क्या है, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स. प्रोटीन मुझे पता चल गया कहां से बन रहे हैं. एल्ब्यूमिन लीवर बनाता है, फिब्रिनोजन भी लीवर बनाता है, और ग्लोबुलिन को WBCs बनाती है. तो अब बात करते हैं लाइक दिस इज द ब्लड वेसल जिसके अंदर यहाँ पे ब्लड, ठीक है? अब बात करते
पे बनती है। तो बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन। आपकी एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है ये। इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो बोन का टिश्यू होता है, दिस इज द टिश्यू ऑफ बोन, जिसमें बोन की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स लाइक दिस। और यहाँ पे अंदर एक खाली स्पेस होता है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, और उसका नाम होता है येल्लो बोन मैरो। क्या नाम है बेटा? येल्लो बोन मैरो। लेकिन हम कहते हैं ना बोन मैरो, येल्लो बोन मैरो कभी कोई सेल नहीं बनाता। ये जो एंड वाले पोर्शन है, यहाँ पे मेरी बोन के अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और उन छेद में एक फ्लूड भरा है, दैट इज रेड बोन मैरो। क्या होता है बेटा? रेड बोन मैरो। जितनी भी आपकी ब्लड की सेल्स बनाएगा, कौन बनाएगा? रेड बोन मैरो। आरबीसी भी यही बनाता है, डब्ल्यूबीसी भी यही बनाता है, और प्लेटलेट्स भी यही बनाता है। किसमें आ जाएंगी? ब्लड में। सेल्स का पता चल गया कैसे बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप कुछ भी खा रहे हो, स्टमक में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से दिन क्या होता है बेटा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, आइंस का एब्जॉर्प्शन होता है, तो प्लाज्मा का ये पोर्शन यहाँ से आ जाता है। सेल्स लिक्विड सॉलिड पोर्शन ब्लड का रेड बोन मैरो से आ जाता है। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, दैट हाउ ब्लड इज फॉर्म्ड या वेयर ब्लड इज फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सेल्स की। सेल्स में हमने क्या पढ़ना है? ब्लड सेल्स में तीन टाइप की सेल्स पढ़नी है, WBC, RBC और आपकी कैपिलरीज। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स। आज मैं डिस्कस करवाती हूँ RBCs की जनरल प्रॉपर्टीज को। सो RBC का बात करते हैं बेटा। RBC को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो वर्ड का मीनिंग रेड, मींस इनका कलर क्या बेटा? रेड कलर है। दे आर रेड ब्लड सेल्स। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, जो इन्हें रेड कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं बेटा, तो ऐसे चार आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, हेम पार्टिकल सेंटर में, और उनसे ऐसे प्रोटीन की चेन लगी हुई होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। देन कितना नंबर पाया जाता है? 5 to 5.5 million पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड। अगर आप एक क्यूबिक मीटर ब्लड की बात कर रहे हो ना, तो उसमें 5 to 5.5 million क्या है? आरबीसी। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली सेल्स हैं आपके ब्लड के अंदर बेटा, रेड ब्लड सेल्स। बनती कहाँ पे है? बनती है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो क्या है? इनका घर है। इस रेड बोन मैरो के अंदर क्या होती है बेटा? स्टेम सेल्स होती है। क्या होती है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर एक्चुअली प्लूरोपोटेंट। प्लूरोपोटेंट मीन्स इसमें हर टाइप के सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये स्टेम सेल्स फर्दर मैच्योर होती है बेटा। अपॉन मैच्योरेशन क्या बनाएंगी? ये एरिथ्रोब्लास्ट, मीन्स यहाँ से सेल निकल के बाहर आ जाती है और क्या बनाती है? एरिथ्रोब्लास्ट ब्लड के अंदर। ठीक है, अब इस एरिथ्रोब्लास्ट, ये सेल ऐसी है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, लेकिन जैसे इसमें एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन बेटा? एरिथ्रोपोएटिन, जो आपकी किडनी सिक्रीट करती है। ठीक है, दिस इज सिक्रीटेड बाय किडनी। ये हार्मोन किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, वो सिक्रीट करती है। दूसरा विटामिन B12, जो आपकी दही में होता है। तो विटामिन B12 और एरिथ्रोपोएटिन जैसे इसके ऊपर काम करते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है बाई कनकेव शेप का, मीन्स मैच्योर हो गई। ये कैसी बन जाएगी? ऐसे अभी न्यूक्लियस भी नहीं है और इसकी शेप कैसी हो गई है? बाई कनकेव शेप। और तब ये मैच्योर्ड आरबीसी आती है ब्लड में। देन कितने दिनों तक जिंदा रहेगी? लाइफ स्पैन इज 120 days। कितना बेटा? 120 days का। ब्लड वेसल्स घूमती रहती है। जब कैपिलरीज में आती है, तो कैपिलरीज का तो साइज बहुत छोटा, उनके अंदर से निकलती है, तो जो ये रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन है बेटा, ये टूटने लग जाती है। ऐसे फंस फंस के निकलेगी तो टूटेगी ना। ठीक है, फिर ये कहाँ पे पहुँचती है? स्प्लीन में। जब 120 डेज इनके कंप्लीट होने पर जाते हैं, तो स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन क्या है बेटा? मेन लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन में जाएगी, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, कब्रिस्तान आरबीसीज का, मीन्स आरबीसीज की डेथ हो जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इनको लेके आया है, फिर स्प्लीन की सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी होएगी, और फिर ये ब्लड किसके पास जाता है? लीवर के पास। लीवर में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बेटा, तो लीवर की सेल्स होती हैं, जो कौन सी सेल्स हैं? कोफर सेल्स। कौन सी सेल होते हैं बेटा? कोफर सेल, KUPFER कोफर सेल्स। दे आर फेगोसाइटोटिक इन नेचर, एनगल्फ कर लेंगी और जो ये डेड सेल्स आई आरबीसी को मार के खा जाएंगी। तो आरबीसी का जो हिम ग्रुप था, मैंने बोला था ना ये चार हिम ग्रुप होते हैं आरबीसी में, वो टूट के क्या बना देता है? बिलरुबिन और बिलविरिडिन, जो आपके यूरिन में पाए जाते हैं। यहाँ से ये ब्लड फिर लीवर से किसके पास जाता है? किडनी के पास जाता है फिल्टर होने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां पे किडनी इनको अलग निकाल देती है, और ये आपके यूरिन के पिगमेंट होते हैं
rubin or bilirubin. So RBC, erythrocyte beta, hemoglobin main pigment है जिसकी वजह से red color, hemoglobin की वजह से किसका transfer करवाती हैं oxygen का 5.2 5.5 million per cubic meter of the blood. House घर कौन सा इनका कहाँ से बनती है red bone marrow से mature blood के अंदर होएगी. Mature RBC में nucleus नहीं होता है biconcave shape की होती है. After 120 days they will reach to the spleen. Spleen में क्या होगा इनकी death. Dead RBCs कहाँ पे जाती है liver में. Liver में Kupffer cells हैं, they are phagocytic in nature, engulf करेंगी और heme group टूट के bilirubin और bilirudin बनाएगा that will be filtered by our kidney. So this is about all today. हमने introduction को पढ़ा है और RBC cell को next class में WBCs और मैं blood platelet को discuss करूँगी. Thank you. Have a nice day.